यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वेश का वेश का तेरे दर्द निराले, वेश का वेश का हीरा रांझे खाले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी लगे तेरे दिल को दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम चलते हैं यार, बहुत देर हो रही है। बहुत खूब, और अब मैं दावत देती हूँ एक नौजवान शायर और अब्दुल्लापुर के देवदास को। मैं चाहती हूँ वो स्टेज पर आके लफ्जों के सहर फूंकें। अरे आ गया मेरा देवदास, ये शोर मचाओ। ए ओ, किधर किधर लेके जा रहा है डायरी? यार भाई तुझे पता तो है क्या, ना मैं कोई लायक फायक हूँ और ना ही कोई हमारा बड़ा बैकग्राउंड है। तो ले दे के तेरी शायरी तो बचिया, अब इसी से भाई बच्चियां पटाएगा। अबे चल दे दे यार प्लीज। अगर मेरी शायरी तूने अपने नाम के साथ मंसूब की ना, भांडा फोड़ दूंगा तेरा। ए देवदास, यूं ही खड़ा रहेगा पारो की याद में या कुछ सुनाएगा भी? मेरा नाम काशिफ जुबैर है, तखल्लुस देवदास और अब्दुल्लापुर शहर है। इसी नस्बत से मेरा तारुफ करवाया गया। आज जो चंद अशार मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, एक नन्नी सी ख्वाहिश है उस लड़की के लिए जिसे मैंने महदूद से लम्हों में देखा है। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबी पर। ये चांद तुम्हारी जबी पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। परेशान है गुल गुल बदन भी खाक हुए, शहर में मर्ज़े मजनू फैला, सब गिरेबान चाक हुए। आंखें भी मिली हैं अंधों को, बेजुबान थे जितने सब बेबाक हो। जितने बेजुबान थे सब बेबाक हुए। वल्ला परस्तिश होगी तुम्हारी, वल्ला परस्तिश होगी तुम्हारी, तुम अगर ठहर जाओगे यहीं कहीं पर। ये जो तूने किया ना, यही करो, वाह लूट ले महफिल वाले, ये ले।
चलो। वेदार की डेड बॉडी पड़ी थी और ये गुंडा वेदार के सर पे खड़ा था। कत्ल इसे नहीं किया है। क्या देवदास बना बैठा है? आजा आके खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। जेल में किसको भूख लगती है? जो खाना खा जाता है वही जिंदा रह जाता है। खामखा की जिद न कर, आ खाना खा। अगर वो कहती मार डाल बेदार को तो खुदा की कसम मार डालता उसे। तेरे साथ इस बैरक में बैठकर मटन कढ़ाई खाता मैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहता। पर मुलाकात पर बुलाकर कहती इस गुंडे ने मारा इज्जत साहब से। चल बता मुझे क्या हुआ तेरे साथ। बता, सुन रहा हूं मैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, देवदास को तुमसे देखते ही प्यार हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा खोया हुआ देवदास हमें यूं मिल जाएगा अचानक, वो भी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में। इसी को तो प्यार कहते हैं। हाँ खड़ी हूँ और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखो देखो क्या पढ़ रही हो। चलो उसे नंबर मांगे। पागल हो गई हो क्या? नंबर क्यों मांगेंगे? पागल होने वाली क्या बात है। नहीं रहने दो, रुको रुको मैं मांगता। एक्सक्यूज मी, हाय रूबी। हाय, आप लोग उर्दू डिपार्टमेंट से तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। हमें एक्चुअली देवदास आई मीन काशिफ का नंबर चाहिए था। काशिफ का? ओके। थैंक्स। ओके बाय द वे, मैं काशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ कंदील। आपको पता है उसका एक एक अल्फाज आपके लिए था, खुद लिखे हैं उसने, और वो आपसे मोहब्बत करता है। मुझे पता था, आई न्यू इट। मैं तुम्हें कहा भी था। अच्छा बस करो, चलो कोई जरूरी नहीं जाने। इसका नंबर मिल गया। यूनिवर्सिटी में जो तुमने धूम मचाई है ना वो अलग, और जो अपनी महबूबा के दिल पे वार किया है ना सो अलग। मतलब? मतलब ये कि अभी अभी मोहतरमा ने मुझे रास्ते में रोक कर तुम्हारा नंबर लिया है। सच? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तुम्हें पता है मामला अगर मोहब्बत का हो तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, हमारी दोस्ती का हवाला दिया और उसे साफ साफ बोल दिया कि तेरे सारे अल्फाज सिर्फ उसके लिए थे, और हाँ ये भी बता दिया कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। इतनी जल्दी कॉल नहीं करेगी पागल। मुशफ्फी, हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म,
मेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। लगता है आपको ही मोहब्बत ने नहीं छोड़ा। वारिस शाहिर में लिखते हैं, बद्दी इश्क दी कुल मखलूक दुनिया, आसमां जमीन काजे। फिर मैं क्या, तू क्या? ये अपना शौकत अली क्या? ओए देवदास, चल खड़ा हो, मुलाकात आई है तेरी। जा जा, मिला मिला, मुलाकात आई है, मुलाकात। शौकत है? जी सरकार। पैगाम तो भिजवा जरा, मुलाकात जरूरी हो गई है। फखर, तुम मेरी बात मान लो, तुम अपना बयान तब्दील कर दो, तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। मोहब्बत के कैदियों की रिहाई नहीं होती वकील साहब, वो एक बैरक से निकल के दूसरे में कैद होते हैं। देख फखरी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, बयान बदल ले अपना, बयान बदल। क्या करें आप? क्या करूं मैं, तू बता क्या करूं मैं? तुझे यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिला, मैं बहुत खुश थी कि अब तू मेरे साथ रहेगा। मुझे क्या पता था तो गुलबानो से मोहब्बत कर बैठेगा। उस लड़की की चार दिन की मोहब्बत मुझसे 24 साल की रिफाकत छीन के ले गई। अगर मैं एक बाले जुर्म नहीं करता ना तो वो काशी से करवा लेते हैं। इन हाथों में तुम पले बड़े हो, मुझे ही बातों में उलझा रहे हो। फखरी, अगर तू उस लड़की की मोहब्बत में मरना चाहता है तो शौक से मर, लेकिन मां जैसी खाला की नजरों में ना मर। चले वकील साहब, मां की मोहब्बत महबूबा के मुकदमे से हार गए। आज इस जोड़े में जाएंगी आप? अपनी मर्जी से जाती थी तो 100 ढोंग रचाने पड़ते थे। आज उसने पैगाम भेजा है, तैयार होके नहीं गई तो कहेगा चारा सिर्फ बातों का हुनर जानती है। अगर बेदार साहब जिंदा होते तब भी आप इसी जोड़े में इसी ठाट से जाती? बेवकूफ औरत, मोहब्बत की बात हो रही हो तो औलाद का जिक्र नहीं करते। औलाद की मोहब्बत हार जाती है। सुना है वो देवदास भी उसी जेल में है। नाम मत लो उस हरामी का। अब तो उसे फांसी होने वाली है, इस तरह आपका बदला भी पूरा हो जाएगा।
ठंड तो मुझे उस वक्त पहुंचेगी जब गुलबानों को पता चलेगा कि उसकी गवाही की वजह से देवदास फांसी चढ़ गया। देर हो रही है, चलो यहां रख, हिले नहीं। उम्र ढल गई है मेरी शौकत अली, पर मोहब्बत अभी भी जवां की जवां है। अभी भी दिल में झांक कर देखूं तो ऐसा लगता है कि अभी दरवाजे से झांका है इसने। अभी भी मैं गली में गिरा पड़ा हूं। सरकार, आज अचानक ये मुलाकात की वजह? ये अपना देवदास मोहब्बत में मरे सो मरे, एक बार नहीं 100 बार मरे सदके, लेकिन सियासत में ना मरे। ये लो, गिन लो, पूरे 40,000 रुपए हैं। 1 रुपया भी जो खर्च किया हो इसमें से मैंने, जिससे शादी करवानी थी वो तो जेल जा पहुंचा। मैं क्या करूंगी इन पैसों का फर्क? 40,000 में तो फखर रेहा भी नहीं होगा। यूसुफ बिकेगा तो खरीदेगी तो अजीज़े मिस्र की बीवी ही ना। तू भी पोटली लेकर गई थी, ये मौका नहीं गवाना। क्या करूं, जेलर के हाथ में रख दूं? पीर मुराद अली शाह की दरगाह पे जा, लंगर तकसीम कर उनके नाम का, अल्लाह के बंदों को खाना खिला और तेरी झोली भर देगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, मैं चादर लेके आती हूँ। पैगाम मिलते दिल खिल उठा मेरा, एक आवाज आई कि जहारा बेगम, इन आंखों को भी आपकी दीद का इंतजार है। लेकिन ये मिलने का वादा भी एक झूठ था, भूल गई थी मैं। मर्द जब बेवजह बेवक्त बुलाता है तो इसमें मोहब्बत का नहीं जरूरत का पहलू होता है। बताओ क्या चाहिए? बेदार की जान फखर ने नहीं, आपकी हवेली के वफादार न्यास ने ली है। माफ कर दीजिए फखर। अपने बेटे के कातिल को माफ कर दो? उम्र भर की मोहब्बत के बदले में पहली मर्तबा कुछ मांगा है शहंशाह ने आपसे। मांगी भी तो जान, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसकी कीमत 2% के देवदास पे लगा दी जाए। मोहब्बत में अगर मरना लाजमी है तो फिर हर बार अब्दुल्लापुर का कोई नौजवान ही इसकी भेंट क्यों चढ़ता है?
सफेद हवेली की किसी हसीना को मौत क्यों नहीं आ जाती है मोहब्बत में? अब्दुल्लापुर के कैस को जहां आरा से मोहब्बत हुई तो उसको शहनशाह बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब इस देवदास को मोहब्बत हुई है तो इसके हिस्से में भी ये मनहूस बैरक आई है। माफ कर दीजिए ऐसे, वरना हमारी आखिरी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। उसे कह दो रिहाई मिलते ही अब्दुल्ला फूट छोड़ के चला जाए। आपके कहने पर माफीनामे के पेपर तो मैंने तैयार करवा लिए हैं, मगर मैं मालूम कर सकता हूँ कि आप इस लड़के को माफ क्यों कर रही हैं? कुछ बातें समझने की नहीं होती हैं, या यूं कह लीजिए कभी मुकाम ऐसा आ जाता है कि इंसान को सर झुका लेना पड़ता है। पहली बार किसी ने जहानरा से कुछ मांगा है, मैंने दे दिया। ये बताएं रिहाई कब हो जाएगी उसकी? जी कल सुबह मैं अदालत में पेपर जमा करवा दूंगा, फिर वो आजाद है। शुक्रिया। मैं अपनी माँ जैसी खाला के कहने पे बयान नहीं बदला, और आप मेरे लिए माफीनामा लेकर आ गए। मैंने मोहब्बत में हिजर देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम विशाल देखे। अब फिर मेरी आखिरी मुलाकात में आकर मुझे बताया कि मोहब्बत में फिराक जानलेवा होता ही है। बस क्या रिश्ता है आपका जहां आरा से? हाँ, वही जो तेरा गुलबानों से। ओ शौकी। जी सरकार। बजवा यार, जोर से बजवा, इतनी जोर से के रू नाच उठे। चल भाई सही बजा गेड़ा। आंदिया नसीबान ले कड़ियां, आंदिया नसीबान ले कलियां, तेरे सिर नू सजाया दादा फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया दादा फुल कलियां। ओ वी दिन सी तेरा सेरा, आप सजा के ले आया सामने, होया दूरज ना ते तो वेख नहीं सकदा
हथ भी लाके रखिया सी तेरे उते आसा बड़िया तेरे सिर नू सजाया डाढ़ा फुल कलिया तेरे सिर नू सजाया डाढ़ा फुल कलिया सिर नू सजाया डाढ़ा फुल कलिया आंदिया नसीबा नल ए कलिया। बेदार की जान फखर ने नहीं बल्कि आपकी हवेली के वफादार न्यास ने ली है। माफ कर दीजिए फखर को। क्या अपने बेटे के कातिल को माफ कर दो? उम्र भर की मोहब्बत में पहली मर्तबा कुछ मांगा है शहंशाह ने आपसे। मांगी भी तो जान, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसकी कीमत 2% के देवदास पे लगा दी जाए। मोहब्बत में अगर मरना लाजमी है तो फिर हर बार अब्दुल्लापुर का कोई नौजवान ही इसकी भेंट क्यों चढ़ता है? सफेद हवेली की किसी हसीना को मौत क्यों नहीं आ जाती है मोहब्बत में? सलाबत चचा के तेवर देख के लग रहा है कि वो अपनी बात पूरी करके ही दम लेंगे। तो क्यों ना हम काशिफ से बात करें? पागल हूँ, आज ही पता चला कि वो देवदास है और आज ही उसे अपनी फैमिली के बखेड़ों में ला घसीटूं। सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलेगा वो। तो अच्छा होगा ना भाग जाए, इसी बहाने हमें भी पता चल जाएगा कि वो सिर्फ नाम का देवदास है या मोहब्बत में जान देने का हौसला भी है उसमें। देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए। तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन। कौन सा? यही कि तुम काशिफ से निकाह कर लो, फिर क्या कर लेंगे तुम्हारे ये नाम नेहाद सलाबत चाचा। ठीक है, तुम बात कर लो उससे। और सुनो, मेरे कसीदे पढ़े या अपनी मोहब्बत के दावे करे, तुम मत सुनना उसकी। बस इतना पूछना कि अजीत का लश्कर आ पहुंचे तो क्या उनकी बैत कर लेगा या गर्दन कटवा कर मोहब्बत को अमर कर डालेगा? और हाँ, फैसला करने में जरा भी देर करे ना तो ये कहकर फोन बंद कर देना कि तुम सिर्फ शायर हो, देवदास नहीं। अब नंबर लिया है तो फोन भी कर लो, शर्माना किस बात का? मिस बेल, ये अच्छा तरीका है नंबर देने का, कॉल बैक करते हैं इसे। हेलो जी, आपकी मिस कॉल आई थी। फरियाद इलेक्ट्रिशियन। फरियाद इलेक्ट्रिशियन? ओ भाई, जब जानते ही नहीं हो तो फिर क्यों कॉल करते हो? हैं, दिमाग खराब करके रखा है। अब क्या तकलीफ है फरियाद इलेक्ट्रिशियन के बच्चे? रूबी बात कर रही हूँ। रूबी, सॉरी, वो क्या है ना, मुझे कोई खामखा तंग कर रहा था तो मुझे लगा वही होगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कंदील ने बताया था, आपने मेरा नंबर लिया है। सही पहचाना। और कंदील ने बताया कि आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो जी पहली नजर में हो गई थी। अच्छा, सिर्फ मोहब्बत करते हैं या इससे आगे बढ़ने का भी इरादा है? आगे बढ़ने का इरादा? इससे क्या मतलब है आपका? मतलब कि निकाह का भी इरादा है या सिर्फ शायरी करते रहोगे? मेरे बस में होना जी, तो कल क्या, अब भी कर लूं निकाह। अच्छा ठीक है, फिर तैयार हो जाओ निकाह के लिए। वैसे अचानक निकाह की वजह जान सकता हूँ मैं? अभी तक हम मिले नहीं, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई बातें। वही रिवायती स्टोरी है यार,
चाचा के सर फेरे बेटे से निकाह का खतरा, और वैसे भी मोहब्बत तो ये मिल बैठकर शर्तों पर नहीं की थी। तो निकाह से पहले मुलाकात की शर्त मत रखो, पहली नजर की मोहब्बत से यकीन उठ जाएगा। काजी और गवाह को कहाँ लेके आना है, कॉल करके बता दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। बेदार को गोली लगी थी तो कहां बैठा हुआ था? साहब, इस कुर्सी पे बैठ। बैठ के दिखाओ। मैंने कहा बैठ के दिखाओ। जी। ऐसे बैठा हुआ था? बेदार साहब तो यूं बैठे। इसे नीचे वाले कमरे में डाल दो, वो कमरा दोबारा कभी नहीं खुलेगा। जी जी बेगम साहिबा। Well, hello and good morning, Gulpano. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कसम से गुलपानो, जब तुम गुस्सा करती हो ना, मैं पिघल जाता हूँ यार। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ये कमरा, ये बेड, ये सारी चीजें मेरी होने वाली है ना। तुम पीकर आए हो? मैं? नहीं यार, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं और पीकर आया हूँ? यार गुलबानो, जब से तुम वापस इस घर में आई हो, पीना पिलाना सब खत्म।
हाँ लेकिन एक बात है कि जब तुम इन प्यारी नजरों से मुझे देखती हो ना तो वो नहीं उतरते। निकलो मेरे कमरे से बाहर, बाहर जाओ और आइंदा यहाँ आए ना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। यार गुलबानो गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या फायदा क्या मिलेगा ये सब करके? देखो मैं सिर्फ तुम्हें इत्तला देने आया था। डैड ने कहा है कि जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहती तब तक तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। बाय स्वीटहार्ट। अरे वाह, तुम तो सीधा निगाह पे जा पहुंचे हो। देखो यार अगर इनकार करता तो मर्दानगी मोहब्बत दोनों पे हर्फ आता। तो मैंने तो कह दिया काजी और गवाह लेके कहाँ आना है, कॉल करके बता दीजिएगा ये मजनू पहुंच जाएगा। अरे ओ मियां मजनू, माना कि मोहब्बत अंधी होती है पर तुम्हारे पास तो आंखें हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि चार हफ्तों की मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, उसमें उस लड़की ने इतना बड़ा पैगाम दे दिया, कुछ गड़बड़ है यार। उसकी मनहूस चाचा जबरदस्ती अपने बेटे का निकाह करा रहे हैं उसके साथ। अच्छा तो अपने चाचा जात की निस्बत उसे तुम बेहतर चॉइस लगे हो? होश के ना हो लो, तुम इस्तेमाल कर रही है वो। नहीं यार, अगर फायदे और नुकसान का सोचूंगा तो भला कैसे कहूंगा। तो बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ थे यार तुम लोग। यार कसम से एक मिनट को जी कैसे भाई, वो रूबी नहीं है, किधर है वो रूबी? वो तो आ जाए नहीं, गोली मार उसे। आईडी कार्ड तेरे पास? नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही घूम रहा हूँ। हो गया काम? काम निकाह का इंतजाम? निकाह तेरे कई बार आई की तो आ रही नहीं है, देख रही हूँ। दिमाग ना खराब हो गया तुम दोनों का। भाई तू कुर्ता सलवार पहनेगा चबे, हल्के भी नहीं आएगा भाई। बात बात पागल है क्या तू? तू ना जेलिस हो रही है। मन तमुरादम नयो मंगना। आपने कहीं गुलबानों को देखा है? अल्लाह ना करे कभी काशी भी उसे देखे। जिस जिसने उसको देखा उसका अंजाम देखा क्या हुआ? होगी तो सोनी बहुत, किसी ऐरी गैरी जमीला पे फखरी थोड़ी मर सकता। सकीना खाला तू जब भी दौड़ा दौड़ा आता है ना कोई मनहूस खबर ही लेकर आता है। लेकिन आज अच्छी खबर है, ये देखें बेगम जहां आरा ने फखरी भैया को बेदार बख्ता खून माफ कर दिया है। सच? तुझे आज से मिला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की जान बख्श दी। हाँ कब लाया तू? अभी तो लाया। बहुत अच्छी खबर लाए हो तुम। जब वो तुम्हारा नाम लेता है ना तो उसके आगे जी लगाता है, यानी शादी के बाद वो फरमाबरदार साबित होगा। तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि निकाह का सुन के उसने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया? वो मरा जा रहा है तुम्हारे पीछे। वो कह रहा था मैं तो चाहूँ तो अभी कर लूँ निकाह, फिर डट कर बोला कि कॉल करके बताना कि गवाह और काजी को कहाँ लेके आना है। वेरी गुड। लड़का अगर मोहब्बत में फरमाबरदार निकले ना तो उसके अल्फाजों पर नहीं उसके पैरों पर देखना चाहिए। पैरों पे देखना चाहिए कि वो अपने अल्फाजों पे कितना डटा है। एक जगह ये डट गया है और दूसरी जगह तुम्हारी फैमिली। तुम्हें पता है तुम्हारे कमरे में आने के लिए मैंने कितने सवालों के जवाब दिए हैं। तुम सब छोड़ो, हमें जो भी करना होगा आज ही करना होगा। निकाह भी? Bye.
फखरी भैया। कबूतर कैसा? बिल्कुल ठीक है भैया। तो आपको क्या लगता है कि गुलबानो को घर में बंद रखने से वो निकाह के लिए हाँ कर देगी? जब तक वो हाँ नहीं करेगी वो बंद रहेगी। सोने की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलेगी तो शिकारी पीछे आएंगे, इसलिए बेहतर है कि पिंजरे में ही रहे। यू नो व्हाट, मैं गुलबानो से इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे देखते ही इतने गुस्से में आ जाती है वो। औरत की अजीब फितरत है, ठुकराने पर आए तो लाल को ठुकरा देती है और अपनाने पर आए तो गली में पड़े पत्थर को भी सर पे पड़े ताज में सजा लेती है। अनएक्सप्लेनेबल। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे दिल जीतू उसका। पहले उसको तो जीत लो, दिल जीतने के लिए तो उम्र पड़ी है। लगे रहो, कभी ना कभी तो जाकर दिल पर लगेगी। ओके, यू राइट। सर, चीमा साहब आ गए हैं। जाकर बिठाओ दफ्तर में उन्हें, मैं आता हूं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? निकाह का इसलिए कहा था ताकि उसकी मोहब्बत का स्टेटस जान सकूं। अब ना मैं उससे कभी मिलूं ना बात के, मिलते क्या निकाह कर लेती उससे। हाँ, तुम निकाह कर भी लोगी ना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, शायद यही एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। इस कैदखाने से बाहर निकलूंगी ना, सीधा उसके पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि शहरोज दरवाजे के बाहर खड़ा कभी भी अंदर आके तुम्हें गोली मार देगा, और अगर उसने एक दफा भी पीछे मुड़कर देखा ना तो उसी वक्त जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी और कहूंगी कि तुम देवदास के नाम पर थप्पा हो। और अगर वो तुम्हें ही देखता रह गया फिर? तो कहूंगी काजी को जाकर ले आओ चार गवाहों के साथ, मुझे कबूल है। Oh,